दोस्तों ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। हम एक आदमी को वॉरियर सूट पहने हुए देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से फाइट करने वाला होता है, और उसे देखने के लिए बहुत भीड़ भी हो गई थी। वहाँ ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट हो रहा था ताकि वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड डिसाइड हो सके। 150 सालों में कोई भी इंसान इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है, तो क्या ये इंसान जीत पाएगा? हाँ, ये इंसान जीत जाता है। लुवेलिया के बारे में सोचते हुए, जिससे वो प्यार करता था। इस टूर्नामेंट के विनर को बहुत नाम मिलता है, लेकिन उसे एक ब्रीडिंग मटेरियल की तरह देखा जाता है, जो कहानी में आपको आगे पता चल जाएगा। वो लड़का याकापाची वॉरियर गिल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका नाम था पीटर ग्रिल। जीतने के बाद वो बहुत खुश था और लुवेलिया से मिलने जाता है, लेकिन उसका पीछा दो गॉब्लिन लड़की मिनी और लीजा कर रहे थे, जिन्हें ओगर सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि कौन पीटर के बच्चे की माँ बनेगी। वो ऐसा करने के लिए बहुत डेस्परेट थी, क्योंकि पीटर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड प्रूव हो चुका है, और ओगर्स के लिए स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पीटर सिर्फ लुवेलिया से प्यार करता है, इसीलिए वो बचकर भाग जाता है। पीटर एक चर्च में जाता है जहाँ लुवेलिया थी। हमें पता चलता है कि लुवेलिया के फादर उनके शादी के खिलाफ थे, लेकिन अब क्योंकि पीटर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, तो वो शायद मना नहीं करेंगे। लुवेलिया का फादर उनके गिल्ड का मास्टर था। उसने अपनी बेटी को सिखा रखा था कि जो प्यार करते हैं वो प्रे करते हैं और बच्चे बर्ड ला कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 साल में बस हाथ ही पकड़ा था, तो इससे पता चलता है कि उनका प्यार कितना सच्चा है। फिर हमें पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पीटर नहा कर निकलता है और सोने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि मिमी वहां सोई हुई है और उसके साथ प्यार करने के लिए तैयार थी। पीटर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लीजा भी वहीं थी, पर पीटर उसे भी निकाल देता है। ओगर सिस्टर चिल्लाने लगते हैं और लोग बाहर आ जाते हैं कि ये कौन है। वहाँ के लोग गलत समझ लेते हैं कि पीटर मजे लेने के बाद उन्हें बाहर निकाल देता है। ओगर सिस्टर्स पीटर को रिझाती है और उसका हाथ अपने पॉम्पॉम पर रखवा देती है, और इसकी वजह से पीटर पिघल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर बेड में था और उसके अगल बगल में ओगर सिस्टर्स भी थी, और भाई ने कांड कर दिया था, जो वो रियलाइज करने लगता है और बहुत पछताने लगता है। तभी लुवेलिया गेट नॉक करने लगती है। पीटर बहुत घबरा जाता है कि अब वो क्या करे। पीटर बहुत डर जाता है कि उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर लुवेलिया को उसके कांड के बारे में पता चल गया तो। पीटर ओगर सिस्टर्स को कबर्ड में छुपा देता है और उन्हें शांत रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लुवेलिया पूछती है उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। पीटर बताता है वो वर्कआउट कर रहा था। लुवेलिया उसके डेडिकेशन से बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब वो उसका हस्बैंड बन सकता है। वो अपने फादर को उनके एंगेजमेंट के बारे में बता देगी। गिल्ड हेडक्वार्टर जाने के बाद पीटर खुश हो जाता है और कहता है वो सिर्फ लुवेलिया से प्यार करता है और उसने टूर्नामेंट सिर्फ उसके लिए ही जीता है, ताकि वो उसके फादर को आसानी से मना सके। पर उसका फादर मना कर देता है। पहले वो चाहता था कि उसका दामाद स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो, लेकिन अब वो मना कर रहा है। गिल्ड मास्टर बहुत गुस्सा था कि पीटर ने उसकी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है और उसे मारना चाह रहा था। लुवेलिया पीटर के आगे खड़ी हो जाती है और गिल्ड मास्टर हार मानकर उन्हें शादी करने की परमिशन दे देता है। उनके शादी की सेलिब्रेशन होती है। लुवेलिया बताती है वो अपने फादर से बात करते हुए डर रही थी, लेकिन पीटर की वजह से उसे हिम्मत मिली। लुवेलिया उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए पीटर को और रिग्रेट होने लगता है कि उसने ओगर सिस्टर के साथ थ्रीसम क्यों किया। डिनर टेबल पर पीटर घबरा रहा था कि ओगर सिस्टर्स कहीं लुवेलिया को सच बता ना दे। तभी वहां वो सिस्टर्स आ जाते हैं और पीटर को कांग्रेचुलेट करते हैं और रात को उसे सफेद शहद देने के लिए कहती है। पीटर मना कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे रिझाने लगती है और डील करती है कि अगर वो उन्हें सफेद शहद देता रहेगा जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, तो वो लुवेलिया को कुछ भी नहीं बताएंगी। पीटर लुवेलिया को आते हुए सुन लेता है और ओगर सिस्टर्स को टेबल के अंदर कर देता है। लुवेलिया उसके बगल में बैठती है और तभी वहाँ गिल्ड मास्टर भी आ जाता है और वो पीटर को कुर्सी से उठने कहता है। पीटर का पैंट उतरा हुआ था और ओगर सिस्टर्स भी टेबल के नीचे थी, तो पीटर मना कर देता है कि अगर वो यहाँ से उठ गया तो वो लुवेलिया के लाइफ से भी उठ जाएगा, जो वो नहीं चाहता है। गिल्ड मास्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और अटैक करने ही वाला था, लेकिन लुवेलिया उसे रोक लेती है। गिल्ड मास्टर देखता है कि लुवेलिया अब उससे अलग होने को भी तैयार है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। लुवेलिया पीटर को थैंक्स करती है कि उसने लुवेलिया के लिए स्टैंड लिया। वो दोनों बात कर रहे थे और ओगर सिस्टर्स टेबल के नीचे पीटर के खिलौने के साथ खेल रही थी। पीटर हार मानने ही वाला था, तभी लुवेलिया को जाना पड़ता है क्योंकि उसका फादर पीकर चिल्लाने लगा था।
उसके जाने के बाद ओगर सिस्टर्स बाहर आती है और पीटर को टीज करने लगती है। अगले दिन पीटर सनराइज देखता है और वहीं हम देखते हैं कि पीटर ने ओगर सिस्टर्स के साथ फिर से थ्रीसम किया था। पीटर बहुत शर्मसार हो चुका था कि उसने लुवेलिया को फिर से धोखा दे दिया, और क्या ये कभी नहीं रुकेगा, ये जानने के लिए बने रहें वीडियो में। फिर हम देखते हैं कि लुवेलिया पीटर के ऊपर थी और कहती है उसे बच्चे करना आता है, लेकिन जब पीटर लुवेलिया को टच करता है उसे गिल्ड मास्टर दिखता है और वो डर कर चिल्लाने लगता है। पीटर फिर सपने से उठ जाता है और एक अनजान आदमी को देखता है जिसे वो चोर समझकर पकड़ लेता है। टीम उसके रूम से पार हो रहा था, उसे लगता है पीटर मदद के लिए चिल्ला रहा है और वो रूम खोलकर लाइट ऑन करता है, और हम देखते हैं कि पीटर एक ब्लोंड लड़की को पकड़े हुए था। वो बहुत ही अजीब पोजीशन में थे, पीटर ये रियलाइज करके उसे छोड़ देता है। टीम वहां से चला जाता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। वो ब्लोंड गर्ल एक एल्फ थी, वो यहाँ पीटर के सफेद शहद के लिए आई थी। पीटर पूछता है वो ऐसा क्यों चाहती है। वो लड़की वीगन बताती है कि एल्फ्स फिजिकली वीक होते हैं, इसीलिए वो ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंट कभी नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए बाकी के स्पेशीज उन्हें बहुत परेशान करते हैं और अपने लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए वो बाहर से हेल्प लेना चाह रहे हैं, और पीटर का सफेद शहद लाने के लिए उसे टास्क दिया गया है। पीटर कहता है उसे ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। वीगन उसे प्यार करने के लिए फोर्स करने लगती है। पीटर अपना खिलौना दिखाते हुए कहता है मेरा दिल बस एक ही लड़के से प्यार करता है। वीगन को बुरा लगने लगता है कि उसका बॉडी पीटर के खिलौने पर कोई असर नहीं कर रहा है और वो टास्क पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो रोने लगती है। फिर वीगन पीटर के खिलौने पर एक मैजिक स्पेल यूज करती है जो उसके होमलैंड में फॉरबिडन है। वीगन जाने लगती है और कहती है कि कल वो उसके साथ मजे करने के लिए बहुत गिड़गिड़ाएगा। पीटर उसके बात को सीरियसली नहीं लेता है और रेडी होकर हंटिंग करने के लिए चला जाता है। कुछ अजीब आवाज सुनने के बाद लुवेलिया उस डायरेक्शन में जाने लगती है। सनसेट होने लगता है और एक सोल्जर कहता है उन्हें कॉम्बैट यूनिट का वेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो एक जायंट क्रिएचर से एनकाउंटर कर जाते हैं। कैसल में एक लड़की पीटर को बताती है कि लुवेलिया पर वॉर्म गॉब्लिन ने अटैक कर दिया है जो मर्दों को खा जाता है और औरतों के साथ खेलता है। पीटर तुरंत लुवेलिया को बचाने जाता है। वहीं लुवेलिया फाइट कर रही थी पर गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है, तो क्या पीटर लुवेलिया को बचा पाएगा, देखते हैं आगे। लुवेलिया फ्री होने के लिए बहुत जोर लगा रही थी, तभी वहां पीटर उसे बचाने आ जाता है। पीटर टाइम पर पहुंचकर उन टेंटैकल्स को काट देता है जो लुवेलिया को पकड़े हुए थे और उसे बचा लेता है। पीटर बहुत गुस्सा था और तुरंत उस क्रिएचर को मार देता है। पूरा टीम बहुत खुश हो जाते हैं कि पीटर ने बहुत आसानी से उसे मार दिया। सभी पीटर का नाम चीयर करने लगते हैं। पीटर लुवेलिया से बात करता है जो उसे बताती है कि पीटर के बिना वो कुछ नहीं कर पाती। रात में पीटर नहा रहा होता है और उसे रियलाइज होता है उसका खिलौना खेलने के लिए तैयार है। वो सोचता है ये एल्फ के जादू की वजह से हो रहा होगा। तभी वीगन वहां आ जाती है और अपने स्पेल के बारे में बताती है कि उसकी वजह से उसका खिलौना खेलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और अगर वो उसका इस्तेमाल समय समय पर नहीं करता है तो फिर वो खराब हो जाएगा। पीटर घबरा जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो मैजिक को खत्म कर दे। वीगन बताती है कि पीटर को अपना सफेद शहद वीगन के नेस्ट में डालना होगा। पीटर को रियलाइज होता है कि बात के अदर साइड पर लुवेलिया थी जो पीटर से पूछती है क्या वो रिजॉर्ट के भूत के बारे में जानता है। पीटर बहुत घबरा जाता है कि ये तो लुवेलिया है, और उससे बात करता है। लुवेलिया बताती है कि यहाँ का पानी स्पेशल जगह से आता है और ये बॉडी पर कमाल कर देता है, जो भी औरतें इसमें नहाती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लुवेलिया पीटर को ये टेस्ट करने के लिए अपने पास बुलाती है। पीटर बहुत खुश था कि वो हाथ पकड़ने के अलावा भी कुछ करने को तैयार है, लेकिन पीटर मना कर देता है कि ये सही समय नहीं है। लुवेलिया समझ जाती है और चली जाती है, लेकिन पीटर को बहुत दुख होता है कि वो लुवेलिया के साथ प्यार करने का सपना पूरा नहीं कर पाया। पीटर वीगन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मैजिक को डिस्पेल कर दे और उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचकर कि वो लुवेलिया के लिए ये कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि पीटर बेजान वीगन के बगल में था और भाई ने फिर से कांड कर दिया था। लेकिन इतना कांड करने के बाद भी पीटर लुवेलिया के साथ खुश रह पाएगा, अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहाँ मौसम खराब होने लगता है और हम देखते हैं गिल्ड मास्टर बहुत दुखी था कि उसकी बेटी अब उससे दूर जा रही है। तभी एक मैसेज आता है। गिल्ड मास्टर पढ़ने के बाद कहता है कि पीटर की मौत
होने वाली है। तो मैसेज में ऐसा क्या लिखा था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन गिल्ड मास्टर पीटर को समन करता है और बताता है कि ऑर क्लैन वालों ने पीटर के सफेद शहद का डिमांड किया है, ऑर क्लैन के अमीर मिस्टर बेग ने किया है। पीटर मना कर देता है। लुवेलिया भी कहती है उसके फादर को ये पता होते हुए भी कि वो उसके बेटी का पति है वो ऐसा कैसे कह सकता है। उसका फादर कहता है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है और एडवाइजर कहता है कि ऑर्क और साउदर्न क्लैन वाले उनकी बहुत हेल्प करते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है इससे उनका पॉलिटिकल रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। पीटर मना किए जा रहा था, इस पर गिल्ड मास्टर कहता है क्या उसे डर लग रहा है कि लुवेलिया के लिए उसका प्यार खत्म हो जाएगा। लुवेलिया कहती है कि पीटर का प्यार कभी खत्म नहीं होगा और वही मान जाती है। फिर हम देखते हैं वो लोग मिस्टर बेग के घर पहुंच चुके थे और बताते हैं कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुके हैं। पीटर बहुत कॉन्फिडेंट था कि उनकी लड़की बदसूरत होगी तो वो पिघलने वाला नहीं है। तभी बेग की बेटी पिगलेट आती है और पीटर उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो तो बहुत क्यूट है। वो लोग विलेज में घूमने लगते हैं। पीटर देखता है कि पिगलेट बहुत शर्मीली है और पिगलेट बताती है कि वो बेग की मेड है और वो बस ऑर्डर फॉलो कर रही है। वो एक आउटकास्ट है और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। वो कहती है वो पीटर के लिए अच्छी नहीं है और चली जाती है। उसे कुछ गुंडे रोक लेते हैं जिन्हें गिल्ड मास्टर ने ही हायर किया था पीटर को ट्रिक करने के लिए। पीटर उसे बचा लेता है और बताता है कि वो क्यूट है और उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। वो लोग दिन भर साथ में टाउन में घूमते हैं और रात में डिनर करते हैं। मिस्टर बेग उसे शादी के बारे में पूछता है। पीटर मना कर देता है कि ये एक पॉलिटिकल टैक्टिस है और उन्हें उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बेग नहीं मानता और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए और टाइम लेना चाहिए और इसके लिए उन्हें एक साथ रात गुजारने को कहा जाता है। तो क्या पीटर खुद को कंट्रोल कर पाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर ने पिगलेट के ड्रिंक में दवाई मिला दिया था जिससे उसका काफी मूड बन गया था और ऐसा उसने इसीलिए किया था ताकि वो पीटर के एंगेजमेंट को तोड़ सके और सुबह वो पीटर का सर काट सके। पिगलेट ड्रिंक की वजह से कंट्रोल खो देती है लेकिन पीटर उसे समझाता है और बताता है कि वो लुवेलिया से प्यार करता है। पिगलेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पीटर को बेड में पटक देती है और उसके ऊपर हो जाती है और बताती है कि ऑकलैंड में अफेयर होना नॉर्मल है। पीटर समझाता है कि उन्हें ट्रिक किया जा रहा है। पिगलेट को लगता है कि वो अच्छी नहीं है और रोने लगती है। पीटर उससे समझाता है कि नहीं वो बहुत सुंदर है। फिर पिगलेट उसे किस कर लेती है। पीटर जानता था अगर वो यहाँ हार गया तो गिल्ड मास्टर जीत जाएगा। पीटर खुद को कंट्रोल करता है पर तभी पिगलेट उसे अपने पॉम्पम दिखाती है और पीटर हार मान लेता है। सुबह हम देखते हैं पीटर ने फिर से कांड कर दिया था। वो सोचता है अगर पिगलेट ने इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया तो वो लुवेलिया को फेस नहीं कर पाएगा। वो घबरा जाता है। पिगलेट उठती है और पीटर उसे समझाता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए और क्या वो हमेशा ऐसे पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट बनना चाहती है या आजादी से रहना चाहती है, इसीलिए उसे टाइम लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। पर क्या पिगलेट ये सीक्रेट रख पाएगी, चलिए जानते हैं। हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर और बेग पिगलेट से पूछते हैं कि रात में क्या हुआ था। पिगलेट बताती है कि पीटर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। ये सुनकर पीटर थोड़ा खुश हो जाता है। पिगलेट कहती है कि कुछ भी फिजिकल नहीं हुआ था लेकिन वो पीटर से प्यार करने लगी है और प्यार में जीतने के लिए उसे पीटर के साथ रहने दिया जाए और वो पूरी कोशिश करेगी पीटर का सफेद शहद हासिल करने का। बाद में पिगलेट बताती है कि उसने ऐसा पीटर को बचाने के लिए किया लेकिन वो उसके साथ बच्चा चाहती है, उसे ट्रेन करना चाहती है जो और क्लैन से उसका बदला लेगा। पीटर डर जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। पिगलेट प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसके रिप्रोडक्टिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो अब लुवेलिया क्या करेगी, क्या वो इतने लड़कियों से पीटर को बचा पाएगी, चलिए जानते हैं आगे। पीटर के घर पर पिगलेट पीटर को खाना खिला रही थी और वहीं ओगर सिस्टर्स और वीगन को ये देखकर जलन हो रही थी। वो लोग झगड़ा करने लगते हैं कि पीटर का शहद किसे ज्यादा मिलेगा। ओगर सिस्टर्स वीगन का मजाक उड़ाने लगती है कि वीगन बहुत वीक है। पीटर वीगन के लिए स्टैंड लेता है और उसे उठने में हेल्प करता है। लीजा पीटर से नई लड़की के बारे में पूछती है। पिगलेट बताती है कि वो पीटर की पर्सनल असिस्टेंट है पर वो सभी ये समझ जाते हैं कि वो पीटर के शहद के लिए यहाँ आई है। वीगन कहती है कि पीटर उसका हस्बैंड बनेगा और वो ऑर्क क्लैन की बदसूरत लड़की से नहीं हारने वाली है। पिगलेट कहती है उसे पीटर को शेयर करने में जरा भी बुरा नहीं लगेगा। वीगन गुस्सा हो जाती है कि पिगलेट उसके छोटे छोटे पॉम्पम का मजाक उड़ा रही है। पीटर उसे मैजिक करने से रोक लेता है। लीजा कहती है कि झगड़ा रोकने के लिए उन्हें कॉम्पिटिशन करना चाहिए। सभी एग्री कर जाते हैं लेकिन पीटर बहुत घबरा जाता है।
वीगन एक क्रिएचर बुलाती है जो मर्दों के उत्तेजना को मेजर करता है, तो जो भी पीटर के खिलौने को ज्यादा फील करवा पाएगा वो जीत जाएगी। पहले ओगर सिस्टर्स अपने कपड़े उतार लेती है और अपने पॉम्पम एक दूसरे से लड़ाने लगती है, जिससे पीटर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें 91 स्कोर मिलता है। फिर वीगन ट्राई करती है पर उसके पॉम्पम कुछ खास नहीं थे, तो पीटर को ज्यादा फील नहीं होता और उसे बस 3 पॉइंट ही मिलते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर पिगलेट अपने टर्न के लिए जा ही रही थी तभी पीटर उसे एप्रॉन में देखकर उसके कर्व्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जिससे उसे भी 91 पॉइंट मिल जाते हैं। पिगलेट खुश थी और वीगन झगड़ा करने लगती है। पीटर टिम से हेल्प मांगता है जो उन्हें दारू ऑफर करता है। सभी शांत होकर दारू पीने लगते हैं और फिर पीटर को रिझाने लगते हैं। पीटर खुद को कंट्रोल करता है कि वो बस लुवेलिया से प्यार करता है, लेकिन सभी पीटर के ऊपर चढ़ जाती है। सुबह हम देखते हैं कि पीटर ने सभी के साथ कांड कर दिया था। पीटर ने फिर से लुवेलिया को धोखा दिया। वो वीगन से रात के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसका लेवल इतना बढ़ गया था कि उसका क्रिएचर भी फट गया। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पीटर के शहद के लिए। वो लोग रूल्स डिसाइड करने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। पीटर उन्हें रोकता है। पिगलेट कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ओगर सिस्टर्स को ज्यादा फायदा दे रहा है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स को वापस बनाती है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट में था कि पीटर को ये काम रोज करना पड़ेगा, बारी बारी से सभी के साथ, और उसे एक दिन छुट्टी मिलेगी। फिर पीटर रेडी होने लगता है क्योंकि वो लुवेलिया के साथ डेट पर जाने वाला था। वो लुवेलिया को देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो दिन भर मस्ती करते हैं और रात में एक रेस्टोरेंट जाते हैं। पीटर लुवेलिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था तभी वो मिमी को देखता है जो उससे पूछती है क्या वो डेट पर है। पीटर कहता है आज उसका रेस्ट डे है तो उसे परेशान ना करे। मिमी कहती है ये अच्छा समय है बाकियों से आगे बढ़ने के लिए। फिर पीटर कहता है कॉन्ट्रैक्ट उसके फॉलो करने के लिए है और उसके हॉर्न पकड़ लेता है। लुवेलिया ये देखकर कहती है कि वो काफी क्लोज हो चुके हैं। पीटर बताता है वो बस इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग में हेल्प करता है, यू नो मुठभेद। पीटर मिमी को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मिमी मुठभेद करने के बाद ही जाने के लिए मानती है, जो पीटर करना नहीं चाहता था। तो भाई ये एक लड़के का बलात्कार हुआ है, लेकिन कोई भी फेमिनिस्ट इसके बारे में बात नहीं करेगी। पीटर तुरंत लुवेलिया के पास जाता है और देखता है वीगन उसके साथ खा रही है और वीगन भी उसके साथ वही करती है। अब अगली बारी लीजा की थी और इस बार जब पीटर बिजी था, लुवेलिया को पीटर के साथ पास्ट याद आने लगता है कि कैसे पीटर ने उसे मॉन्स्टर से बचाया, जिसके बाद वो और क्लोज हो गए। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं। लुवेलिया उसे बाय करती है और कहती है कि वो लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एडवेंचर पर भी जा सकते हैं। लुवेलिया जाने लगती है लेकिन पीटर उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत पछतावे में था। पर क्या वो इससे कभी बाहर आ पाएगा? चलिए आगे पता करते हैं। पीटर बहुत रिग्रेट कर रहा था कि वो लुवेलिया को धोखा नहीं देना चाहता है। तभी पिगलेट बाथरूम में आ जाती है और बताती है कि डिनर रेडी है। पीटर को लगता है कि वो भी उसका इस्तेमाल करने आई है, लेकिन पिगलेट उसका बैक वॉश करने का ऑफर करती है। तब पीटर उसे रोते हुए बताता है कि उसने लुवेलिया के साथ डेट में होते हुए भी उसे धोखा दिया। पिगलेट कहती है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी जिससे वो हर्ट हो जाए। पिगलेट उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाती है और उसका टॉवल गिर जाता है। पिगलेट के पॉम पॉम को देखकर पीटर अपना आपा खो देता है और कांड कर देता है, जिसके बाद वो फिर दुखी हो जाता है कि वो इतना वीक कैसे है। तभी वहाँ लीजा, वीगन और मिमी भी आ जाते हैं जो उसे रूल तोड़ने के लिए ताना मारते हैं, और इसी वजह से लड़कियों के बीच झगड़ा होने लगता है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है और रूल्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पीटर के शहद को बराबर बांटेंगे। पीटर बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो रेस्ट डे पर है फिर भी उसे आराम नहीं दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट का मजाक बनाकर रखा गया है। लड़कियां अपनी गलती मानती है और माफी मांगती है, लेकिन रूल्स तोड़ने की वजह से उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। पीटर समझ चुका था कि वो पच नहीं पाएगा और नंगे ही वहां से भाग जाता है। पीटर डिसाइड करता है कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई लाइफ शुरुआत करेगा, लेकिन फिर उसे लुवेलिया की याद आने लगती है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। पीटर एक जगह बैठकर दुख मनाने लगता है तभी एक ओगर मैन उसके पास आता है। वो उसे एक टॉवल देता है और उसका दुख सुनने का ऑफर करता है। पीटर बताता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर ली हैं और अब उसे सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, पर वो अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा है। वो आदमी समझाता है कि प्यार पर हमारा कोई बस नहीं होता है, मैं भी अपने प्यार को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। और वो उस लड़की को पिछले 3 साल से ढूंढ रहा है और अब उसे क्लू मिला है कि उसने याकापाची वॉरियर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। वो कहता है अगर पीटर का प्यार सच्चा है तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। पीटर मोटिवेट हो जाता है और लुवेलिया के लिए और कोशिश
पेश करने का वादा करता है कि वो सब ठीक करके रहेगा। बारिश रुक जाती है और वो ओगर वहां से जाने लगता है। पीटर उसे लड़की का नाम पूछता है क्योंकि वो भी याकापाची वॉरियर गिल में था। वो बताता है कि वो एक प्रिंसेस है और वॉरियर है, लीजा अल्पाका। ये सुनकर पीटर बहुत चौंक जाता है और ओगर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो अब पीटर क्या करेगा? क्या वो ओगर को सब सच बता देगा? अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार होने वाला है। पीटर तुरंत लीजा के पास जाता है और उसके रॉयलिटी के बारे में पूछता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ओगर सिस्टर्स रॉयल फैमिली से हैं। लीजा बताती है कि वो प्रिंसेस है और नेक्स्ट क्वीन भी वही बनने वाली है। वहीं एंटोनियो, वो ओगर याकापाची वॉरियर गिल के रिसेप्शन तक आ चुका था लीजा को ढूंढते हुए। वो वहाँ बात कर रहा होता है और तभी वहाँ मिमी आ जाती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। वहीं पीटर बहुत घबरा जाता है कि वो फॉरेन कंट्री के प्रिंसेस को प्रेग्नेंट करके वॉर शुरू नहीं करना चाह रहा है। लीजा कहती है कि एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से प्रेग्नेंट होने के बाद वो हमेशा के लिए वापस चली जाएगी और सब कुछ सीक्रेट रखेगी और फिर उसे रिझाने लगती है उसके शहद के लिए। वहीं मिमी लीजा के बारे में एंटोनियो को बता देती है। इतने सालों के बाद एंटोनियो लीजा से मिलने के लिए बहुत खुश था क्योंकि ओगर सिस्टर्स ने अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए ओगर स्टैंड से जा चुकी थी। एंटोनियो लीजा की आवाज को सुनने के बाद खोलता है और पीटर को लीजा के साथ अजीब पोजीशन में देखता है। उसका दिल टूट जाता है और गुस्से में पीटर को मारने के लिए कोशिश करता है। पीटर के पास एक केला था जिससे वो फाइट बैक करता है। तभी लीजा उन्हें रोक देती है। ओगस्टैन की प्रिंसेस होने के नाते वो एंटोनियो को रुकने का कमांड देती है। सब कुछ शांत होने के बाद वो लोग पीटर के टूटे हुए रूम में बैठकर बात करते हैं। एंटोनियो लीजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस चले, उनका आर्मी लीडर के एब्सेंस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। लीजा कहती है उसे भी खराब लग रहा है लेकिन वो अभी वापस नहीं आ सकती है। उसे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पीटर ग्रिल के साथ बच्चा करना है और प्रेग्नेंट होने के बाद ही वो वापस आएगी। एंटोनियो पूछता है उसमें क्या कमी थी। लीजा कहती है क्योंकि वो वीक है, अगर ओगर स्टैंड में स्ट्रॉन्ग मैन होते तो वो कभी देश नहीं छोड़ती। एंटोनियो बताता है कि अब वो बदल चुका है, वो पिछले 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और वो पीटर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उनके फाइट के दिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं उनके ड्यूएल को देखने के लिए। पीटर हारने का डिसाइड करता है जिससे एंटोनियो जीत जाएगा और लीजा उसे चूज कर लेगी और वो बच जाएगा, जिससे उसके और लुवेलिया के बीच में एक लड़की कम हो जाएगी। पीटर ये सोच रहा होता है तभी लीजा पीटर को दिखाती है लुवेलिया को, जो फाइट देखने के लिए आई थी और उसके साथ मिमी थी। लीजा धमकी देती है अगर वो हारने की कोशिश करता है तो मिमी लुवेलिया को सब कुछ पता देगी। फाइट शुरू होने से पहले एंटोनियो कहता है अगर वो जीत गया तो पीटर को अपना सच सबको बताना होगा। एंटोनियो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है जैगन स्टाइल डबल टामाहॉक स्टांस से, जो अनबीटेबल था, जिससे पूरा ओगर आर्मी डरता है और आज तक उसके बनाए वोर्टेक्स से कोई नहीं बच पाया है। एंटोनियो ये भी बताता है कि वो लीजा से सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वर्जिन रहा है, जिससे पूरा क्राउड पीटर को हारने के लिए कहने लगता है। पर पीटर हार नहीं सकता था, नहीं तो उसका सच सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो एंटोनियो को एक ही अटैक में हरा देता है। एंटोनियो भरोसा नहीं कर पा रहा था और लीजा से एक और चांस के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। लीजा मान जाती है पर अपोनेंट चेंज करके खुद को बना लेती है और मैच नेक्स्ट वीक स्केड्यूल कर देती है। सबके जाने के बाद एंटोनियो पीटर से माफी मांगता है जो भी बुरा भला उसने कहा था और पीटर के स्ट्रेंथ को समझ गया था। एंटोनियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि पीटर उसे ट्रेनिंग दे क्योंकि वो लीजा को कभी नहीं हरा पाया है। वीगन और पिगलेट पीटर से कहती है कि वो मान जाए अगर वो लीजा को हरा देता है तो ओगर सिस्टर्स को वापस जाना पड़ेगा। पीटर को प्लान सही लगता है और वो मान जाता है। पीटर उसे बहुत हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग देता है और वीगन एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है जिससे एंटोनियो का मसल एनहांस हो जाता है और पिगलेट इलीगल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके खाना बनाती है जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जब वो ब्रेक पर थे वो रिसेप्शनिस्ट मीची को देखते हैं जो एंटोनियो से बात करने आई थी। पिगलेट बताती है कि वो एंटोनियो को रोज खाना देने आती है और शायद उसे एंटोनियो से प्यार हो गया है। आखिर में फाइट का दिन आ जाता है और एंटोनियो जीतने के लिए मोटिवेटेड था, पर क्या वो जीत पाएगा? चलिए जानते हैं। फाइट शुरू होता है और दोनों ही टक्कर की फाइट करते हैं। पीटर को लगा था कि एंटोनियो जीत जाएगा लेकिन वो देखता है कि लीजा एंटोनियो को अपने पॉम्पॉम से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो काम कर जाता है और एंटोनियो हार जाता है। वीगन और पिगलेट लड़ने लगती है कि लीजा ने वर्जिन को रिझाकर हराया है।
लेकिन पीटर जानता था कि ये हर मर्द का वीकनेस है। एंटोनियो को होश आता है और पीटर उसे बताता है कि वो हार गया। पीटर जानता था कि रीमैच से भी रिजल्ट यही होना था क्योंकि उसके स्किल्स प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ मीची आती है। पीटर सोचता है अगर एंटोनियो एक लड़की के साथ कंफर्टेबल हो सकता है तो वो जीत सकता है। पीटर उसे समझाता है कि वो इसीलिए हार जाता है क्योंकि वो लड़की के सामने कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे लड़कियों के बारे में और सीखना चाहिए मीची की मदद से। एंटोनियो गुस्सा हो जाता है कि वो खुद को लीजा के लिए बचा कर रखा है। तभी मीची आ जाती है जो ये सब सुन रही थी और कहती है वो जानती है वो लीजा से प्यार करता है, वैसे ही उसे भी उससे प्यार है। एंटोनियो पिघल जाता है और उसके साथ प्यार कर लेता है। अगली सुबह उसे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा करने के बाद किसे नहीं लगता। एंटोनियो पीटर को थैंक्स करता है। पीटर उसे रीमैच के लिए कहता है लेकिन उसे पता चलता है कि एंटोनियो मीची से प्यार करने लगा है और उसके साथ बहुत खुश है और लीजा का पीछा छोड़ चुका है। तभी लीजा आती है और पीटर को थैंक्स करती है एंटोनियो की हेल्प करने के लिए क्योंकि उसके आर्मी में वो सबसे बेस्ट है और एक अच्छी पार्टनर होने से उसका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ जाएगा। लीजा पीटर को भी हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहती है कि उससे शादी करके वो ओगर स्टैंड का किंग बन सकता है जो लुवेलिया से शादी करने से अच्छा है। लीजा के बाद से पीटर सोच में पड़ जाता है लेकिन लुवेलिया को देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसकी खुशी लुवेलिया ही है। लुवेलिया बताती है कि गॉब्लिन्स ने विलेज पर अटैक कर दिया है। पीटर उसके साथ विलेजर्स की हेल्प करने जाता है। रास्ते में पीटर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे हर खतरे से बचाएगा और ये सब खत्म होने के बाद वो वेकेशन पर चलेंगे। वो लोग हाथ पकड़ लेते हैं और वीगन का क्रिएचर स्कोर दिखाता है जो 91 था। तो अब पीटर क्या करेगा? क्या वो लुवेलिया के साथ रहेगा या दूसरों को चुनेगा? अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। गॉब्लिन्स का अटैक होने लगता है और गिल्ड के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को बुलाया जाता है। वो लोग अटैक के लोकेशन पर पहुंचते हैं। पीटर और लुवेलिया दो टीम्स बनाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। गॉब्लिन इन्वेजन में फीमेल गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा मूड में होती हैं और सिर्फ मर्दों पर ही अटैक करती हैं। सभी मर्द डरे हुए थे। हम देखते हैं पीटर, ओगर सिस्टर्स, वीगन, पिगलेट और एंटोनियो फीमेल गॉब्लिन से लड़ते हैं। एंटोनियो उनसे हारने लगता है। जब गॉब्लिन्स को पता चलता है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पीटर है, वो उसे क्वीन के पास ले जाने का डिसाइड करती है। गॉब्लिन्स के अटैक्स का कोई अंत नहीं होता और वो बहुत से एरियाज पर अटैक करते हैं। हायर अप्स विलेजर्स को दूसरी जगह भेजने का सोचते हैं पर पीटर कुछ और आइडिया देना चाह रहा था। वो टिम से बात कर ही रहा था तभी वीगन और मिमी उसे पकड़ के रूम में ले जाते हैं जहां सभी लड़कियां उसके शहद का इंतजार कर रही थी। टिम को एक सोल्जर बताता है कि व्हाइट लिली स्क्वाड जिसे लुवेलिया लीड कर रही थी उसे हरा दिया गया है। ये सुनते ही पीटर लुवेलिया को बचाने जाता है। एक सोल्जर पीटर को बताती है कि लुवेलिया को क्वीन के बॉडीगार्ड्स ने बंदी बना रखा है जो गॉब्लिन्स के ही रेस में सुपीरियर्स हैं। वो गॉब्लिन्स खुद को अनहोली ट्रिनिटी स्टार्स इंट्रोड्यूस करते हैं और धमकी देते हैं कि वो लुवेलिया को मार देंगे। वो पीटर को बांध देते हैं और एक केव में ले जाते हैं जहां बहुत सारे गॉब्लिन्स थे और जो वो कर रहे थे उसे छुपाने के लिए पीटर लुवेलिया के आगे आ जाता है। पीटर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा। तभी उसे पकड़कर क्वीन के पास ले जाया जाता है उसे सैक्रिफाइस बनाने के लिए। पीटर को लग रहा था कि गॉब्लिन क्वीन सुंदर होगी इसीलिए वो खुश था लेकिन वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत है। तो अब क्या पीटर उससे संभोग करेगा? देखते हैं आगे। वहीं टीम पीटर के सभी गर्लफ्रेंड्स को पीटर के किडनैपिंग के बारे में बताता है कि वो पीटर को नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें भी पीटर का सफेद शहद चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पीटर को बचाएंगे क्योंकि वो पीटर के शहद को गॉब्लिन्स के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे। वहीं पीटर को क्वीन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी लेकिन उसके टेक्निक से वो काफी खुश हो जाता है। पीटर भागने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन हार मान लेता है। तभी उसके पास एक गॉब्लिन आती है और उसकी हेल्प करती है। वो उसे लुवेलिया के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है और वो पूछती है क्या वो उसे जानता है। पीटर बताता है वो जिस गॉब्लिन को जानता था वो कब का जा चुकी है। तभी वो बताती है कि वो गोबूको है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पीटर की छोटी बहन को एक छोटी सी गॉब्लिन मिली थी जिसे वो गोबूको नाम देती है। वो लोग साथ में रहने लगे लेकिन एक गॉब्लिन हंटर्स ने अटैक कर दिया और गोबूको को ले गए। गोबूको उनसे बच गई और क्वीन ने उसे जगह दी। ये जानकर पीटर बहुत खुश हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है और माफी मांगता है कि वो उसे नहीं बचा पाया था। पीटर उससे कहता है कि वो फैमिली है और लुवेलिया को बचाने में उसकी हेल्प चाहिए और वो मान जाती है। वहीं हम देखते हैं कि टिम और लड़कियां केव तक आ चुकी थी।
मिमी पीटर का नाम चिल्लाने लगती है जिससे केव में सभी चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं पीटर गोबूको के साथ एस्केप करने का ट्राई कर रहा था तभी गोबूको उसके खिलौने के बारे में कहती है जिसके इस्तेमाल से वो शांत हो जाए क्योंकि क्वीन के संत से वो तुरंत मूड में आ जाते हैं। पीटर मना करता है कि नहीं तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। गोबूको भी मान जाती है कि वो खुद को कंट्रोल करेगी। वहीं मिमी एक बटन पुश कर देती है जिससे वो सभी एक ट्रैप में गिर जाते हैं। गोबूको पीटर को रिझाने के लिए उसका हाथ अपने पोम-पोम पर रख देती है और हम देखते हैं कि टिम और लड़कियां उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं। सभी लड़कियां पीटर को डांटने लगती है कि वो एक गॉब्लिन के साथ मजे कर रहा है। तभी वहां एक गॉब्लिन फाइटर केंजी आता है। उसे गॉब्लिन्स अच्छे लगते हैं इसीलिए उसने उनके मूड के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और उन्हें कंट्रोल करना भी सीख लिया था। वो उन्हें तरीका बताने वाला होता है कि तभी एक पत्थर से हिट हो जाता है। वो लोग वहाँ गॉब्लिन से घिर जाते हैं। टिम बाकियों को लुवेलिया के पास जाने कहता है और सभी मान जाते हैं। पीटर गोबूको के साथ लुवेलिया के पास जाता है। वो लुवेलिया को बचाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ क्वीन आ जाती है। पर क्वीन को गोबूको के बिट्रेयल के बारे में कैसे पता चला चलिए पता करते हैं। क्वीन उसे गद्दार कहती है। गोबूको बताती है वो ये अपने फैमिली के लिए कर रही है। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और अब तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। क्वीन गॉब्लिन्स को उसे मारने का ऑर्डर देती है। गोबूको को बुरा लग रहा था क्योंकि वो उन्हें भी अपनी फैमिली मानती थी। पीटर कहता है पास्ट में उनका रिश्ता बहुत प्यारा था और अब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर फ्लैशबैक दिखता है जब गॉब्लिन हंटर्स ने पीटर के फैमिली पर अटैक किया था और गोबूको को ले गए थे। तब पीटर और उसकी बहन दोनों बहुत दुखी हो गए थे। पीटर और गोबूको फाइट कर रहे थे। एक गॉब्लिन लुवेलिया पर अटैक करने वाली होती है लेकिन गोबूको उसे बचा लेती है। लुवेलिया उसे थैंक्स करती है। गोबूको कहती है उसने ऐसा किया क्योंकि वो पीटर के लिए इम्पोर्टेंट है जो गोबूको की फैमिली है। वो लोग एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं जहां टीम बैकअप लिए खड़ा था। वो गॉब्लिन्स को हरा देते हैं और क्वीन को भी पकड़ लेते हैं। एक विलेज में सभी खुश थे कि गॉब्लिन क्वीन पकड़ी गई। वहां एक लड़की कहती है कि उसके सामने गॉब्लिन का नाम भी मत लेना ये कौन हो सकती है जानने के लिए आगे देखते हैं। टीम पीटर को बताता है कि वो हायर अप्स को नहीं मना पाया और वो सभी फीमेल गॉब्लिन्स को खत्म करने वाले हैं। पीटर ये सुनते ही उन्हें रोकने के लिए जाता है ताकि वो कोई और रास्ता ढूंढ सके। तभी उसे याद आता है केंजी के बारे में जिसने बताया था कि गॉब्लिन्स जो चाहते हैं उसे यूज करके उनकी भूख को शांत किया जा सकता है। एक फीमेल गॉब्लिन को मारा जाने वाला था कि पीटर वहीं टाइम पर उसे रोक लेता है। पीटर उस गॉब्लिन को केव में ले जाता है और जब वो बाहर आते हैं वो गॉब्लिन बहुत शांत हो चुकी थी। फिर पीटर सभी को बताता है कि मर्द अपना शहद जहां देते हैं वहां ना देकर गॉब्लिन्स के मुंह में दे। टीम सभी को ऑर्डर देता है कि सभी मर्द अपना शहद फीमेल गॉब्लिन्स के मुंह के अंदर दे। सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं कि गॉब्लिन इन्वेजन आखिर खत्म हुआ। लुवेलिया पीटर से कहती है कि आज वो जल्दी सोने जा रही है। पीटर खुश हो जाता है कि आज उसने लुवेलिया को धोखा नहीं दिया। पीटर अपने घर में गोबूको के साथ उठता है जो उससे कहती है कि उन्हें अपने फैमिली को और बढ़ाना चाहिए। पीटर रियलाइज करता है कि फिर से उसने लुवेलिया को धोखा दे दिया। पीटर की छोटी बहन अपना मिशन पूरा करने के बाद उससे मिलने आने वाली थी। सारी लड़कियां गुस्सा थी कि पीटर ने एक नई लड़की को घर में जगह दे दी। गोबूको को पता चलता है कि वो सभी पीटर का शहद चाहती हैं। उसे लगता है कि ये सभी फैमिली है। तभी पिगलेट को एक लेटर मिलता है जो पीटर के सिस्टर का था। पीटर वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन जिसे वो डेविल कहता है वो उससे मिलने आ रही है। गोबूको खुश थी कि लूसी वापस आ रही है लेकिन पीटर उसके आने से पहले जाना चाह रहा था। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। पीटर सभी को चुप रहने कहता है। पीटर देखता है कि उसकी बहन पहुंच चुकी थी। वो डर जाता है कि अगर लूसी को पता चल गया कि मैं 5 लड़कियों के साथ रह रहा हूं तो वो सभी को मार देगी। पीटर लड़कियों से कहता है वो सारा सामान लेकर भाग जाए अगर वो जिंदा रहना चाहती हैं तो। सभी ऐसा ही करती है और भागते हुए वहाँ कोई भी सबूत नहीं छोड़ती है। पीटर उसे बताता है कि वो सफाई कर रहा था और वो बहुत जल्दी आ गई। लूसी उसे एक एंशियंट ड्रैगन का स्कल देती है। लूसी खुश थी कि पीटर ने लुवेलिया के साथ एंगेजमेंट कर ली है और लुवेलिया पीटर के लिए बहुत अच्छी है। लूसी कबर्ड खोलने जा रही थी ड्रैगन स्कल वहां रखने के लिए पर पीटर उसे रोक देता है ये कहकर कि वो भरा हुआ है। लूसी कहती है ये बहुत अजीब है
क्या पीटर उससे कुछ छुपा रहा है, जैसे उसके अफेयर के बारे में? फिर उससे कहती है, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पीटर उसके लिए दारू लाने जाता है और वो रियलाइज कर चुका था कि लूसी गोबूको के जाने के बाद जो बदली है वो अब तक मौजूद है और उनके फादर ने भी अफेयर किया था जिससे वो काफी गुस्सा थी। पीटर उसके लिए दारू लेकर आता है, तब लूसी पूछती है क्या उसने कभी लुवेलिया या किसी और लड़की को अपने घर बुलाया है। पीटर घबरा जाता है और डिनाई कर देता है। फिर लूसी बताती है उसे उसके रूम में ज्वेलरी, मेकअप, पैंटी और भी बहुत से लड़कियों का सामान मिला। लूसी गुस्सा हो जाती है कि पीटर भी अफेयर चला रहा है और उस पर अटैक करने लगती है। पीटर अपनी जान बचाकर भागने लगता है लेकिन आखिर में उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी पीटर गोबूको को बाहर निकाल कर बताता है कि वो सारा सामान उसके हैं। लूसी गोबूको को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत हैरान भी। उसे लगा था अब तक वो जिंदा नहीं होगी। पीटर बताता है कि वो इसके बारे में उसे आराम से बताने वाला था। लूसी और गोबूको एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और एक हैप्पी फैमिली रियूनियन के साथ सब खत्म होता है। रात में लूसी, पीटर और गोबूको डिनर करते हैं और बाहर से सभी लड़कियां उन्हें देखकर जेलस हो रही थी। लूसी पूछती है खाना किसने बनाया, क्योंकि पीटर और गोबू को दोनों को खाना बनाना नहीं आता है। किचन भी साफ है जिसका मतलब यहाँ और भी लड़की है। पीटर कुछ बता पाता उससे पहले पिगलेट अंदर आ जाती है और माफी मांगती है कि उसने पहले खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। वो याकापाची गिल्ड में रिक्रूट हुई है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है। लूसी भरोसा कर लेती है और वो लोग बात करने लगते हैं। लूसी टेबल के नीचे कुछ लगा देती है। अगले दिन लूसी गोबूको के साथ गिल्ड में रजिस्टर करने जाती है। उसे बताया जाता है कि पहले उसे रैंकिंग एग्जाम देना होगा। मीची ये जानकर हैरान थी कि वो पीटर की छोटी बहन है जो वर्मिन हंटर के नाम से फेमस है। तभी लुवेलिया आती है और ट्रेनिंग के लिए कहती है। वहीं पीटर को लड़कियां रिझा रही थी और शहद देने के लिए मजबूर कर रही थी। लूसी और लुवेलिया ट्रेनिंग फाइट करते हैं। लूसी को लगता है कि लुवेलिया प्रेग्नेंट है। नहाते हुए लूसी उससे पूछती है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो वीक लग रही थी, क्या लुवेलिया प्रेग्नेंट है। लुवेलिया बताती है कि वो हर रोज एक बच्चे के लिए प्रे करती है। लूसी खुश थी कि वो अब बुआ बनने वाली है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लुवेलिया को लगता है कि बच्चे आसमान से आते हैं, उसका सपना टूट जाता है। गोबूको एक कैंडी खा रही थी। लूसी उससे पूछती है ये उसे कहाँ से मिला। गोबूको बताती है ये मिमी ने दिया है और लूसी को बिजी रखने के लिए कहा है। लूसी समझ जाती है कि पीटर उससे झूठ कह रहा था और वो तुरंत उसके घर जाती है। पीटर लूसी के प्रेजेंस को समझ जाता है और कपड़े पहन लेता है। सभी लड़कियां भी यही करती हैं, लेकिन वो छुप पाती उससे पहले लूसी आ जाती है और उन्हें देख लेती है। पीटर बताता है वो सिर्फ एक मीटिंग कर रहे थे, पर लूसी दिखाती है कि उसने टेबल के नीचे एक रिकॉर्डर लगा दिया था और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। रात में टीम वापस आता है और देखता है कि सारा घर बर्बाद हो चुका है और पीटर लूसी से फाइट कर रहा है एक बनाना से। पीटर लूसी से रुकने कहता है कि हम फैमिली है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। लूसी बताती है कि उसने अपने फादर को अफेयर करते हुए पकड़ लिया था और उन्हें मार दिया था उनका सामान काटकर, और वो पीटर के साथ भी यही करने वाली है। पर गोबूको उसे रोकती है कि वो फिर से अपने फैमिली को नहीं खोना चाहती है। पीटर बताता है वो लोग चेस खेल रहे थे और रिकॉर्डिंग में चेकमेट भी सुनाई देता है। लूसी भरोसा कर लेती है और माफी मांगती है। फिर लूसी गोबूको के साथ सो जाती है। सभी घबराए हुए थे क्योंकि पीटर को वेट नूडल सिंड्रोम था। पीटर बताता है कि लूसी उसका खिलौना तोड़ने वाली थी, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। वीगन अपने फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है पर वो असर नहीं करता। पिगलेट बताती है कि टीम ने बताया था स्ट्रेस की वजह से मेल्स का टॉय काम नहीं करता और उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहीं जाना चाहिए। पीटर एक स्पा में जाता है। पीटर वहां थोड़ा आराम कर रहा था। वो सोचता है कि काश लुवेलिया भी मेरे साथ होती तो अच्छा होता। तभी वो लुवेलिया को अपने बगल में देखता है। पीटर रियलाइज करता है कोई उसे देख रहा है और लुवेलिया बस एक भ्रम थी। वही कैसल में लुवेलिया बहुत रिग्रेट कर रही थी कि उसे भी पीटर के साथ स्पा में जाना चाहिए, पर वो अपने फादर से डर रही थी। लुवेलिया ने अपने फादर को बताया था कि वो पीटर के साथ डेट पर जाना चाहती है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है और वो साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसका फादर उसे पकड़कर रोने लगता है कि नहीं तुम मत जाओ, और लुवेलिया मान जाती है और अब सोच में पड़ी हुई थी कि उसके पास पीटर जैसा विल क्यों नहीं है। पीटर के बारे में सोचते हुए उसका बॉडी गर्म होने लगता है और वो अपने पेट के नीचे कुछ फील करने लगती है।
वहीं पीटर एक मसाज सेंटर जाता है और उसे पता चलता है कि ओगर सिस्टर्स वहां काम करती है। ओगर सिस्टर्स को काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने पीटर का कुछ ज्यादा ही शहद निकाल लिया, इसीलिए वो उसे स्पेशल मसाज देने का डिसाइड करती है उसे ठीक करने के लिए। वो लोग अपने पॉम पॉम में तेल लगा के उसके बॉडी में रब करने लगते हैं, लेकिन पीटर के खिलौने को कुछ भी नहीं हो रहा था। ओगर सिस्टर्स गोबू को और पिगलेट को भी हेल्प करने के लिए बुला लेते हैं, जो पीटर को हाथ से मसाज देने लगते हैं। गोबुको को क्वीन से पता चलता है कि फैटिक फ्लूइड रिलीज करने से मेल हार्मोन्स बढ़ता है। गोबुको पीटर के खिलौने में तेल मसाज करने लगती है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लिम्फैटिक फ्लूइड कलेक्ट रहता है। लीजा एक वाइब्रेटर की मदद से पीटर के फ्लूइड निकालने का कहती है, पर पीटर मना करने लगता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और गोबू को पीटर के पीछे वो लगा देती है, पर पीटर का खिलौना अब भी शांत था। पीटर उदास होकर जाने लगता है और सोचता है कि अच्छा है मेरा खिलौना काम नहीं कर रहा है, ऐसे में वो लड़कियां उसे छोड़कर चली जाएंगी। वहीं बाद में वीगन उसके पास आती है और कहती है कि आज शहद लेने की बारी मेरी है, पर ऐसे हालत में वो नहीं दे पाएगा। वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ ब्लू मिस्ट फैल जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। पीटर को एल्वेन विलेज में होश आता है, जहाँ उसे एल्वेन गुडविल एम्बेसिडर वेलकम करती है, फ्लूटेलिया एल्डोरियन। तो अगर ये गुडविल एम्बेसिडर है तो वीगन क्या है? फ्लूटेलिया कहती है कि उसकी बड़ी बहन की जगह उसे पीटर का शहद मिलना चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को जन्म दे सके। पीटर मना करता है कि उसकी मर्जी भी पूछी जानी चाहिए। फ्लूटेलिया कहती है उसे तो खुश होना चाहिए जो उसे ये करने मिल रहा है, वो भी इतनी सुंदर लड़की के साथ। पीटर उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर उसके स्पेल में पकड़ा जाता है, जिससे पूरा बॉडी सेंसेशन फील करने लगता है जो नॉर्मल से 3000 गुना ज्यादा होता है। फ्लूटेलिया अपने गार्ड से पीटर को पकड़ने कहती है और उसका टावल हटा देती है, ये सोचकर कि उसका खिलौना जाग गया होगा, लेकिन हैरान होकर देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो पूछती है उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। पीटर बताता है वो लुवेलिया से प्यार करता है इसीलिए। फ्लूटेलिया की दादी आती है और पूछती है क्या पीटर फ्लूटेलिया का दोस्त है, जो पीटर हाँ करता है। पीटर फ्लूटेलिया से स्पेल हटाने कहता है, तभी दादी को खांसी होने लगती है। वो पीटर से माफी मांगती है कि वो ज्यादा अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं कर पा रही है, जो हादसा हुआ था उसकी वजह से। वहीं गोबू को वीगन को बात में बेहोश पड़ी हुई देखती है। वीगन बताती है कि उसकी बहन ने पीटर को किडनैप कर लिया है उसका शहद निकालने के लिए। सभी लड़कियां पीटर को बचाने के लिए जाने का कहती है, पर वीगन मना करती है कि ये मेरा फैमिली मैटर है तो पीटर को मैं बचाऊंगी, लेकिन बाकी लड़कियां उसके बिना पीटर को बचाने के लिए टीम बना लेती है। वहीं पीटर फ्लूटेलिया के लोगों से हादसे के बारे में पूछता है, जो बताते हैं इसे मिनी स्टोन कहा जाता है। फिर उसे एक वॉल्ट दिखाते हैं जिसे वीगन और फ्लूटेलिया के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने बनाया था हाउस एल्डोरियन हेडे के दिन। इसके अंदर बहुत सारा खजाना है। उस वॉल्ट के बाहर लिखा हुआ था कि सिस्टर्स के पावर कंबाइन होने के बाद ये सील टूट जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं इसीलिए सील अब भी लगा हुआ है। तो क्या यहां थ्रीसम की बात हो रही है या कुछ और, चलिए आगे पता करते हैं। वो लोग झुक के पीटर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो दोनों बहनों को एक साथ काम करवाए, क्योंकि वो लोग बहुत कर्जे में आ चुके हैं। पीटर रियलाइज करता है कि अगर वो खजाना हासिल करने में हेल्प करेगा तो वो बहनें अपने काम से फ्री हो जाएंगी, और हेल्प करने का डिसाइड करता है। वहीं हम फ्लूटेलिया को किसी के सामने बैठकर रिक्वेस्ट करते हुए देखते हैं कि उसे प्रेग्नेंट होने के लिए और समय चाहिए। उन्हें कहा गया था कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा अगर वो ह्यूमन ब्लड के साथ टेम कर ले, और उस आदमी को अब रिजल्ट चाहिए और उसे नेक्स्ट टाइम तक का ही समय देता है। फ्लूटेलिया बहुत रोने लगती है कि ये काम अच्छा नहीं है, और जब वो पीटर को मनाने की कोशिश करती है तो उसका खिलौना जागता ही नहीं है। इस बात से गुस्सा होते हुए फ्लूटेलिया पीटर पर फॉरबिडन डिसेप्शन मैजिक यूज करती है, जिससे पीटर को फ्लूटेलिया लुवेलिया दिखाई देती है, जो उसके बॉडी में अपना पॉम पॉम रब करने लगती है, और इस बार पीटर कंट्रोल खो देता है। फ्लूटेलिया उसके कपड़े हटा देती है चेक करने के लिए कि ये काम किया या नहीं, पर वो देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ देर पहले कुछ हार्ड फील किया था। पीटर बताता है कि उसने रैपिड फायर टेक्निक का यूज किया और उसे जैसे ही कुछ सेकंड्स का मौका मिला उसने स्पेल को न्यूट्रलाइज कर दिया। फ्लूटेलिया फिर से मैजिक यूज करने वाली थी, लेकिन वीगन टाइम पर आकर पीटर को बचा लेती है। वीगन फ्लूटेलिया पर मैजिक यूज कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा मूड में आ जाती है। वीगन बताती है पीटर और वो प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, इसीलिए वो ज्यादा अच्छी गुडविल एम्बेसिडर बन सकती है
वो लोग फाइट कर रहे होते हैं तभी वहाँ उनकी दादी आती है और वीगन को देखकर हैरान थी। वीगन जाने से पहले दादी से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और एल्डोरियन के हालत को वो फिर से ठीक कर देगी। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां कहीं और पहुंच चुकी थी क्योंकि मिमी ने मैप को उल्टा पढ़ा था। पीटर वीगन से कहता है कि वो फ्लूटेलिया के मैजिक को डिस्पेल कर दे। वीगन मान जाती है लेकिन बदले में उसका शहद मांगती है। पीटर मजबूर था तो वो मान जाता है। सब कुछ करने के बाद पीटर कहता है उसे नॉर्मल फील नहीं हो रहा है। तब वीगन बताती है कि जिसने मैजिक कास्ट किया है वही इसे हटा सकता है। फिर पीटर उससे पूछता है अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ तो मुझे बताओ तुम्हें विलेज से क्यों बाहर निकाला गया था। वीगन बताती है कि 3 साल पहले वीगन और फ्लूटेलिया में लड़ाई हुई थी क्योंकि वीगन ने उसका पुडिंग खा लिया था। वीगन ने मैजिक से उसके लिए पुडिंग बनाने का ट्राई किया लेकिन वो डिजास्टर था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पुडिंग ने पूरे विलेज को बर्बाद कर दिया जिससे वो गरीब भी हो गए। पीटर पूछता है उसने एम्बेसडर होने का झूठ क्यों कहा, पर वीगन कोई जवाब नहीं देती। पीटर कहता है उनके बीच कुछ भी छुपा होना नहीं चाहिए। फिर वीगन उसे बताती है वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी। पीटर कहता है उसे अपनी बहन से अच्छे से बात करनी चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। वीगन मना करती है पर पीटर के समझाने पर मान जाती है। वो फ्लूटेलिया के पास जाते हैं। वीगन उसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बाउ करती है और पीटर के बताए एक्सप्रेशन को बनाती है जो अच्छे से नहीं बनता, जिससे फ्लूटेलिया को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ाने आई है और वो गुस्सा हो जाती है। इससे दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही फुल पावर से फाइट करते हैं। वीगन के स्पेल से फ्लूटेलिया बहुत सेंसिटिव हो जाती है जिसका फायदा उठाकर वीगन पीछे से उसके पॉम्पॉम को दबाने लगती है। वीगन उस पर एक बड़ा अटैक करने वाली होती है। पीटर उन्हें रोकने आ जाता है। वीगन रुकती नहीं है और अटैक लॉन्च कर देती है। पीटर बड़े आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और जो भी मरने की इच्छा रखते हैं वो उससे हिट हो जाते हैं। वीगन फ्लूटेलिया को समझाता है कि वो बड़ी बहन है इसलिए उसे एम्बेसडर होना चाहिए। फ्लूटेलिया कहती है वो हमेशा सेल्फिश बिहेव करती है। वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। तभी उनकी दादी आती है। फ्लूटेलिया पीटर को बताती है कि वीगन हमेशा परेशानी खड़ी कर देती है और कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है, जो पीटर डिनाई कर देता है। पीटर बताता है कि वो अपनी गलती समझ रही है इसीलिए वो प्रेग्नेंट होना चाहती है ताकि फ्लूटेलिया को तकलीफ ना हो। फ्लूटेलिया को भरोसा नहीं होता कि वीगन दूसरों की परवाह कर सकती है। पीटर वीगन से माफी मांगने कहता है। वीगन रोने लगती है और फ्लूटेलिया से माफी मांगने लगती है। फ्लूटेलिया उसे पंच मारती है और कहती है सिर्फ सॉरी से सब ठीक नहीं हो जाएगा और अब उसे अच्छा लग रहा है। फिर उनकी दादी समझाती है कि उन्हें मिलकर रहना चाहिए क्योंकि वही एक दूसरे के फैमिली बचे हैं। दोनों बहनें दोस्त बन चुकी थी और वो वॉल के सील को तोड़ने का डिसाइड करती है। सील खुलता है और वो अंदर एक फॉरेस्ट देखते हैं जिसके अंदर एक लाइट ग्लो कर रहा था। वो एक होलोग्राम स्पेल था लॉर्ड वेजिटेलिया का, जो बताता है कि अगर वो एक दूसरे से प्यार करेंगे तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो खजाना जो उसने छोड़ा है वो एल्डोरियन फैमिली का बॉन्ड है और असली खजाना उनके दिल के अंदर है। ये जानकर कि वहाँ पैसे नहीं है, सिस्टर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पीटर भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। वो लोग मिलकर पीटर का शहद निकालने का डिसाइड करते हैं। वो लोग सारा काम कर लेते हैं लेकिन तभी वहाँ बाकी लड़कियाँ आ जाती हैं और पीटर का शहद मांगती है। वहीं गिल्ड मास्टर लुवेलिया से कहता है कि वो गुस्सा ना करे क्योंकि वो उसके होने वाले पति को एक बहुत ही जरूरी काम देने वाला है, लेकिन इस टास्क के साथ वो पीटर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रहा था। गिल्ड मास्टर पीटर से कहता है कि उसकी जगह वो सेरेमोनियल राइट्स परफॉर्म करे क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसे ड्वार्फ नेशन जाना होगा और वहां जाकर कॉम्बैट एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेट करना होगा गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। ये एक सैक्रेट सेरेमनी है जिसे वॉरियर गिल्ड और ड्वार्फ के लोगों के बीच रिश्ता बना रहता है। बहुत सालों पहले उनके एक वॉरियर ने स्केडा मोल को मारा था जो ड्वार्फ्स का नेचुरल प्रीडेटर है। वो हर साल फेमस ओरेकमल स्वॉर्ड से उस मोल के क्रिस्टल रेप्लिका को कट कर देते हैं। गिल्ड मास्टर ये भी कहता है कि अगर सेरेमनी अच्छा रहा तो वो मान लेगा कि लुवेलिया के लिए पीटर सबसे अच्छा है। वो बताता है कि सेरेमनी एक हफ्ते बाद है, तब तक वो स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करे क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये प्राइसलेस स्वॉर्ड टूट जाए, नहीं तो वो भी पीटर को नतीजे से नहीं बचा पाएगा। पीटर स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा था और उसे तोड़ देता है। टीम बताता है कि स्वॉर्ड को पहले से क्रैक किया गया था ताकि वो आसानी से टूट जाए। पीटर समझ जाता है कि ये गिल्ड मास्टर का ट्रिक था। वो तुरंत स्वॉर्ड को बनाने निकल जाता है।
ह्यूमन ओरेकल्कम प्रोड्यूस नहीं करते थे तो वो ड्वार्फ नेशन जाता है। ड्वार्फ विलेज में एक आदमी एक लड़की से कह रहा था कि उसे काम करना होगा तभी वो अपने सामान खरीद सकती है। उस लड़की का नाम मिशलिन था। वो कहती है वो काम नहीं करना चाहती और वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से मिलना भी चाह रही थी। वहीं पीटर सबसे मदद मांग रहा था पर कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होते। जब वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है वो बताता है कि मिस्टर नेदरलैंड की बेटी मदद कर सकती है और वॉन भी करता है कि उसका दिमाग खराब है। पीटर उसके घर पहुंचता है जहां गॉर्डो उसे काम करने के लिए ले जा रहा था। वो मना कर रही थी क्योंकि वो रिसर्च करना चाह रही थी, फिजिकल लेबर नहीं। उसका फादर उसके बिहेवियर से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है उसे अब पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। पीटर मिशलिन से स्वॉर्ड बनाने को कहता है। ये जानने के बाद कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पीटर ग्रिल है वो मान जाती है और उसे अपने लैब में ले जाती है। उसके लैब को देखते हुए पीटर पूछता है वो फालतू की चीजों से ये सब क्यों बनाती है। मिशलिन बताती है ताकि उसका फादर उसे काम करने के लिए फोर्स ना करे, वो ऐसे पावरफुल वेपन्स बनाती है। तभी मिशलिन एक डील देती है कि वो स्वॉर्ड बना देगी, उसके बदले में उसे पीटर का ढेर सारा सफेद शहद चाहिए जिससे वो अल्टीमेट वॉरियर बना सके। पीटर मना कर देता है कि वो अब भी एक बच्ची है। तब वो बताती है कि वो 32 साल की है। मिशलिन एक मशीन निकालती है जिसमें वो पीटर के 20 लीटर शहद को कंटेन कर सके। पीटर डर जाता है और मशीन पर अटैक कर देता है। वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उससे बचते हुए पीटर और मिशलिन एक लव डंजन के अंदर कैद हो जाते हैं क्योंकि पीटर गायब हो चुका था। गिल्ड मास्टर एल्बेट्रॉस खुद रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है। लॉर्ड गॉर्डो उसे वेलकम करता है और उन्हें फीस्ट के लिए इनवाइट करता है। मिशलिन और पीटर बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक लव डंजन था। तो मिशलिन बताती है कि उन्हें वहां प्यार करना होगा तभी वो गेट खुलेगा। पीटर बाहर जाना चाह रहा था और सेरेमनी अटेंड करना चाह रहा था। वो मिशलिन के रिसर्च में हेल्प करने के लिए मान जाता है। मिशलिन कहती है उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पीटर फिर उसे एक डील देता है कि अगर वो सेरेमनी बिना किसी दिक्कत के अटेंड कर पाता है तो वो उसे टेम्पररी फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। मिशलिन बहुत खुश हो जाती है और कपड़े उतारकर बताती है कि बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता है। वहीं डिनर टेबल पर सभी खा रहे थे और लुवेलिया पीटर के बारे में चिंता कर रही थी। लॉर्ड गॉर्डो आता है और उसे एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वेडिंग गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक टिकट देता है जिससे वो एरिया के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को देख सकती है। ये उसे एक आर्म्स डीलर ने दिया था। वो अपनी बेटी के साथ घूमना चाह रहा था पर उसकी बेटी घर पर रहना पसंद करती है। तभी वो जगह हिलने लगती है। लुवेलिया पूछती है क्या ये सिकेटा मोल है जो अंडरग्राउंड रहता है। गॉर्डो बताता है कि वो सभी हजारों सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब काफी कुछ चेंज हो चुका है इसीलिए उन्हें अपने डील को फिर से रिवाइज करना चाहिए। गिल्ड मास्टर खुश था कि पीटर भाग चुका है। तभी लुवेलिया आती है और कहती है उसे कुछ बात करनी है। लुवेलिया कहती है कि उन्हें ड्वार्फ के साथ डील को फिर से रिवाइज करना चाहिए क्योंकि ड्वार्फ्स को अब सिकेटा मोल से कोई खतरा नहीं है और साथ ही उसे ऐसा भी लगता है कि ये डील ड्वार्फ्स का प्रॉफिट खाने के लिए बना हुआ है क्योंकि ड्वार्फ्स से उन्हें बहुत पैसा मिलता था। तो गिल्ड मास्टर मना कर देता है कि सिकेटा मोल के अलावा भी बहुत सारे खतरे हैं और लुवेलिया को इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। वहीं पीटर मिशलिन के साथ प्यार करना शुरू करता है लेकिन मिशलिन को बहुत दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। पीटर गिवअप करने वाला था लेकिन मिशलिन कहती है वो मरना पसंद करेगी लेकिन हारना नहीं। फिर पीटर उससे कहता है कि वो उसे लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ये सुनकर मिशलिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है जिससे उनका प्यार सक्सेसफुल रहता है। सेरेमनी शुरू होने वाला था और सभी पीटर का इंतजार कर रहे थे रेप्लिका को कट करने के लिए लेकिन तभी वहाँ रियल सिकेडा मोल आता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पीटर और मिशलिन रूम से बाहर निकल चुके थे और स्वॉर्ड बनाने में लग चुके थे। लुवेलिया गिल्ड मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थी। ओगर सिस्टर्स उस मॉन्स्टर से फाइट करने जाते हैं पर उनका अटैक काम नहीं करता। एल्फ सिस्टर्स भी मैजिक अटैक करती है लेकिन वो भी कोई काम नहीं करता। एल्बेट्रॉस फाइट करने के लिए जाने वाला था लेकिन तभी पीटर वहां आ जाता है और कैल्कम से बने स्वॉर्ड से पीटर उस क्रिएचर के दो टुकड़े कर देता है। सभी पीटर की तारीफ करने लगते हैं। एल्बेट्रॉस पूछता है कि जो स्वॉर्ड उसने पीटर को दिया था उसका शेप कैसे बदल गया। पीटर बता नहीं सकता था कि टाइम पर आने के लिए उसे स्वॉर्ड को एक्स बनाना पड़ा। वो एक्सक्यूज देता है कि उसे ऐसा लगता है उन्हें ड्वार्फ्स के साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से देखना चाहिए
और वो मिशलिन से कहता है कि वो सैक्रेड स्वॉर्ड को फिर से रीडिजाइन करे। वो नया डील देता है कि गिल्ड उनके लिए फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और ड्वार्फ्स को उन्हें वेपन्स देना होगा। वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट रॉस इससे खुश नहीं था। लुवेलिया गिल्ड मास्टर को कुछ कहना चाह रही थी, तभी उसका एडवाइजर आ जाता है और बताता है कि वो जाने के लिए रेडी है। गिल्ड मास्टर कहता है कि वो रास्ते में उसकी बात सुन सकता है, पर लुवेलिया कहती है कि नहीं, उसे अभी परमिशन चाहिए पीटर के साथ वेकेशन में जाने का। वो गॉर्डो से मिला टिकट उसे दिखाती है, जो गिल्ड मास्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। लुवेलिया कहती है अगर वो ऐसा फादर बनना चाहता है तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। वहीं गॉर्डर पीटर से कहता है कि उसे मिशलिन ने बताया कि वो लुवेलिया के साथ रिश्ता तोड़कर मिशलिन को एक स्टेब्लिश लाइफ देने वाला है। पीटर उसे मना करने वाला था, तभी गॉर्डो उसे धमकी देता है कि वो उसकी बेटी को दुख ना पहुंचाए और उसका कमिटमेंट सच्चा हो। पीटर डर जाता है और मिशलिन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। पीटर सोचने लगता है कि वो लुवेलिया के साथ एक आइसोलेटेड आइलैंड में जा सकता है, तभी वो लुवेलिया की आवाज़ सुनता है जो उसे अपने साथ हॉर्स में बैठा लेती है और बताती है कि वो पीटर के साथ वेकेशन में भागना चाहती है क्योंकि उसका फादर नहीं मान रहा है। पीटर मान जाता है और वो दोनों खुशी खुशी वेकेशन पर जाते हैं, सभी को पीछे छोड़कर और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।